कि मैंने लाइफ में बहुत सारी फिल्में की, अपने करियर में मैंने 40 फिल्में की, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन मैंने आज तक शायद इतना रोया नहीं होगा। जब मैं पैदा हुआ हूँ तब भी शायद मैं इतना नहीं रोया, जबकि मैं उस फिल्म में काम किया हूँ। उसके बावजूद भी आज रजनीश मिश्रा को मैं शायद आज से भगवान मानने लगा हूँ, अमनजी रघुराज को, अवधेश मिश्रा को, और मुझे लगा जी शायद मेरा अपना बाप है अवधेश मिश्रा। जिंदगी में मैं इतना नहीं रोया था जितना मैं अपने सिनेमा को करके रोया, क्योंकि मैं अभी तक सिनेमा देखा नहीं था अपना, लेकिन मैं काम किया हूं तो मेरी ये हालत है। तो यार जो लोग सिनेमा देख रहे हैं उनकी क्या हालत होगी, मैं महसूस कर सकता हूं। मैं क्या बताऊं, शायद मैं अपने लाइफ में ऐसा सिनेमा कर पाऊंगा या नहीं, ये मेरे जीवन का यादगार सिनेमा है, यह भी लगा के रखना, जिसका 110% अगर सबको दिया जाए तो कम है, क्योंकि पूरी यूनिट ने जो काम किया है सिनेमा में, हर आदमी ने जो 100% दिया है अपना, अनंत जी रघुराज जो हमारी हर बातों को मानते रहे, रजनीश भैया जो हम लोगों से ऐसे काम करा दिए कि शायद मैं अपने करियर में सोच नहीं सकता हूँ कि कोई मुझसे ऐसा काम कराए। और मैं महसूस कर सकता हूँ कि ऑडियंस का क्या दशा होगा जो कि काम नहीं किए, मैं काम किया हूँ, उस माहौल को जिया हूँ, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे से रो रहा हूँ। सिनेमा में अभी तक नहीं देखा था अपना, मैं आज सिनेमा देखा मोतिहारी शहर में आयल थिएटर, और ये अद्भुत है। इसमें रिश्तों की अहमियत जो एक बाप और बेटी की होती है, शायद ऐसा रिश्ता किसी ने एक बाप बेटे का नहीं दिखाया, मुझे अपने बाप नजर आए, और मेरा आज मैंने पापा से भी बात की अपना, और मैं बहुत रोया पापा को याद करके। आप लोग Planet Bhojpuri.